के मुल्क साडे बड़े ने बनाया सी और इस नु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे वास्ते बनाया सी। इस नु कितने नचण टपण और बाहर दिया जनाब एडा लेके इस्लाम दे खिलाफ वास्ते नहीं बनाया सी। ए ता साडे बड़े ने जनाब 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दे के पाकिस्तान नु इस वास्ते हासिल कीता सी और इतना बड़ा नारा लाया सी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। साढ़े बड़े ने इस वास्ते कुर्बानियां दीतियां सन और साढ़े बड़े इस वास्ते हिजरत करके और अपनी धियां जनाब और लुटे पिटे खानदान छड़ के आए सन कि इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी आबियारी होएगी। खबरदार इत्थे बह के कोई जनाब किसी होर दियां गल्लां करे और जनाब कोई अमरीकी एजेंट और कोई जनाब बैरूनी एजेंट और कोई यूरोपी और जनाब नैटो दा एजेंट आके कहे कि इत्थे असीं उस निजाम नूं मुसल्लत करांगे, इंशाअल्लाह इस दे तख्त उत्ते हुजूर दा निजाम आएगा और आके रहेगा इंशाअल्लाह। और ये याद रखना इश्क दे तूफान डके नहीं जाते, हाजी साहब कंटेनर ना डके जाने शाला ना गोलियां ना बंबा ना, नहीं नहीं ये नहीं डके जाते। ये तो जनाब उदो नहीं डके गए जो 8 तलवारां चुक के बदर चाहे सन। हाँ जी मेजर अमीर अफजल साहब ने की लिखा है BRB नहर दे उन्हें क्या साढ़े को असला खत्म हो गया जनाब, सुबह 11 बजे असला खत्म हो गया। उन्हें कहा सुबह 11 बजे तो लेके राती 9 बजे तक असी सिर्फ नारे तकबीर ते नारे रसालत ना हिंदू फौज नु डकी रखिया। मैं अपने नौजवानों को कहना अपना काम तेज करो यार, इस तरह तो नहीं अजे ढेले ढेले अल्लाह दे बंदे अजे तो असी बैतुल मुकद्दस से जुमा पढ़ना पढ़ना कि नहीं पढ़ना, अजे तो असी कश्मीर अपना वापस लेना। और ये जबानी कलामी नहीं असी गल्ला कर रहे, ये याद रखना साहबा ने हुजूर दी बारगाह विच वध के मोहब्बत नाल गल की थी, असी घोड़े समंदर च पावांगे ते हजरत साहब बिन अभी वकास की क्यादत घोड़े समंदर च पाए। हजरत उकबा बिन नाफे ने अपना घोड़ा समंदर ले आके खड़ा कर दिता और जब उसकी गर्दन गर्दन तक पानी आया तो आपने उसकी जनाब लगामा खिंच के उसका मुंह भी आसमान की तरफ बुलंद किया और अपना भी बुलंद करके क्या या अल्लाह तू गवार रवी तेरी जमीन खत्म हो गई। उकबा बिन नाफे का जो जज्बा खत्म नहीं होया और इस नारे ना इंशाल्लाह सारा कुफर ढहना इंशाल्लाह टिकना सारा कुफर थले। और ये जाना इकबाल कहना निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुर्सियों से मैंने के वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहना मैं फरिश्ते हूँ यहाँ पे आपस में जनाब जा गुफ्तगू कर दिया सुनिया कि जनाब हुजूर दे वो गुलाम आन रहे जड़े फिर जनाब साहबा दी सुनत जनाब साहबा दे दौर दी ज्यादा ताजा कर दिया जान के और जनाब होइया ज्यादा ताजा कमाल वाली गल अद्धा घंटा गोलियां चलाते रहन हुजूर दे गुलाम एक इंच हटन की बजाय अगे वध वध के जाना देते रहे और जनाब किसी मुजी नू अगे नहीं बदल देता। और ये असा जान हुजूर दे नाम वास्ते रखी हुई मर तो यार इवें भी जाना कोई रिया दुनिया से बाकी जनाब कितने तक म्याणी साहब जाओ जनाब है तख्तियां लगियां जनाब बड़े बड़े जनाब DC ते फलाने ते फलाने जज ते मजिस्ट्रेट ते जनरल ते कर्नल सारे मर गए लेकिन म्याणी साहब एक कबर जींदी जिसनु इल्मुद्दीन दी कबर आते हैं हुजूर दे नाते चले गए। हैं जी मरदा जाना वैसे भी सुल्तान बाहू फरमाने उम्र बंदे दी एवं गुजरी जिमें पानी विच पतासा हो उम्र तो बंदे दी एवं लंघ जानी इसनु हुजूर दे नाते ला जाइए। हाँ जी बाबा जी अगर घर रहेंदे
रह सकते सन, कहंदे मैं व्हील चेयर ते आ, अल्लाह ने भी मैनू जनाब रुखसत दी हुई, अल्लाह का दीन भी मैनू रुखसत देंदा, मैं जनाब घर बह के अल्लाह ना कर सकता। बाबा जी ने कहा है तो जिंदगी लेकिन हुजूर दे नाते ला जाइए, है जी, फिर हुजूर दे नाते जिंदगी लाई, फिर ये हिकमत मलकूती ये इल्मे ला होती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर बाबा जी ने दसिया के पगां ए दाड़ियां ए शक्लां ए वेस्कोटां ए कपड़े जे दीन दे कम ना आवन ते किसे कम नहीं। ते फिर बाबा जी ने दसिया जे ए पग किसे मुअज्जिज दी बद्दी रवे हुजूर दे नां ते खुले नहीं घसीटे ना जावे फिर उसने इश्क नहीं कीता। फिर बाबा जी ने सारे उसूल तोड़ो आके दसे कि यार मैं तो लता तो नहीं चल सकता जाहिरी तौर पे, पीछे बह के भी तोड़े ना काम कर सकता सा, लेकिन मैदान ला के दसिया कि जिथे सारे नस जान उत्थे आशिक खड़े रहते। मिशन दे के गए उस दे मिशन नु हर घर घर गली गली पहुंचाओ, हर घर घर का दरवाजा खड़काओ, उन्होंने कहो यार बस करो 75 साल हो गए तुसी, आज 76 साल हो गए, 76वां साल जारी, 76 साल हो गए तुसी जनाब खड़े हो इन बदमाशा नाल इन टोलिया नाल, कदी तुहानू नालियां दे नाते, कदी जनाब गलियां दे नाते, कदी सड़कां दे नाते, ए बुजुर्ग बैठे रहते, ए बुजुर्ग बैठे इन्हां कोलों पुछो जनाब चिट्टियां दाड़ियां चिट्टियां सार हो गए, ओ जी तरक्की आ रही, आई तरक्की नहीं आ सकती, तरक्की कदी भी नहीं आ सकती, तरक्की तरक्की करनी ने तरक्की किस विच है, ओ हुजूर दे दीन विच है। हाँ सारा सारी जिंदगी इस्लाम को डराया, ओ इस्लाम आएगा जनाब ओ हाथ फड़ के रख देगा, ओ इस्लाम आएगा जनाब दौड़ा मार के रख देगा। मैं कह यार अगर इस्लाम ने इन्हें दो चार जड़े करप्टन इन्हें हाथ फटे होंगे तो किसी की जरूरत सी करप्शन कर दे, है जी, इस्लाम ने इन्हें दो चार गद्दारों के सिर लाए होंगे तो किसी की जरूरत सी कश्मीर दें दे, है जी। ऐ सारे जनाब इतने देहाती लोग भी बैठे ना, तुम दसो जट तो अपना बन्ना नहीं कपड़ देता, है जी, इधर हल मारो तो जट जनाब कई कौड़ी लैके आ जाता, तो खबरदार अज तो बाद हल अपनी जगह पर रखी, तो जनाब सारा कश्मीर दे के फिर कहते नसीब बड़े मुअज्जज़ है पाकिस्तान के, ये मुअज्जज़ हैं, इन्हें तो इन्हें अंदर तो जट्ट जितनी भी गैरत नहीं, एक जट जितनी भी गैरत नहीं, जट एक लकीर नहीं मारन देता, ये पूरा कश्मीर दे के सुते हुए, है जी, ये पूरा फलस्तीन दे के सुते हुए। तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन के वीडियो बयानात और मज़ीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।